ये पर्वत बोलिए तो? हिमालय। मध्य प्रदेश में? विंध्याचल। यूपी की दो प्रमुख नदियां? गंगा और यमुना। ये भारत बोलिए तो? द्रविड़। ये राज्य बोलिए तो? महाराष्ट्र। ये राज्य? गुजरात। ये पाकिस्तान का ये राज्य कौन सा होगा? सिंध। पाकिस्तान का राज्य सिंध, सिंध होगा। ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल, उत्कल है? कलिंग था, कलिंग के बाद क्या हो गया? उत्कल हो गया। कलिंग के बाद क्या हो गया? उत्कल, उत्कल हो गया। ये कौन सा जगह है? बंगाल। पहले बंगाल में पूरा था ये, पहले पूरा का पूरा क्या था? बंगाल। बंगाल से ही आसाम टूटा, झारखंड टूटा, बिहार टूटा, समझा गया कि नहीं? सब उसी से। पूरा का पूरा क्या था? बंगाल। ये पूरा का पूरा एरिया पहले पंजाब कहलाता था, पूरा का पूरा एरिया पंजाब कहलाता था। किसी को कोई दिक्कत है? ये एरिया क्या हो गया? कलिंग। ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया, नीचे वाला द्रविड़ भारत। भारत का राष्ट्रीय गीत देखे, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो भारत का नक्शा है। भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत न होकर भारत का नक्शा है, ध्यान से पढ़िए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, खत्म भारत। जिन्हें जिन्हें लगता है भारत का राष्ट्रीय गीत गीत है, वो हम लोगों का बनाया हुआ पूरा क्षेत्र दिखता है, हम कहां से कहां तक थे यहाँ पर। इसमें अभी सिंध कहाँ होता है, निकल गया। बंगाल भाई, पहले बंगाल में ये पूरा आता था, वो अब राष्ट्रीय गीत, आप तोड़ते जाइएगा बंगाल को तो कहा राष्ट्रीय गीत हमेशा तोड़ते जाएगा। अब बिहार को तोड़ के झारखंड कर दिए, झारखंड को तोड़ के कल को कुछ भी कर दीजिए, द्रविड़ को तोड़ के आपने चार राज्य बना दिया, तो क्या राष्ट्रीय गीत बार बार खिलवाड़ थोड़ी होता है? यह कौन सा हो गया भैया? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, समझ गया?